अब छोटी खेलेंगे भाई। भैया मैं नहीं खेल रहा। तू क्यों? जो भैया अभी मैं सोने का टाइम हो गया है। हाँ रियली? अरे एक गेम, एक गेम। भैया तू मुझे फ्रेंड लिस्ट में इनवाइट कर दे। हे रुक्स आर मी इट्स योर बॉय अज रुक्स इज हियर और एक और गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 12.2 का ये अपडेट आपको कैसा लगा। दरअसल अगर मेरी बात होती है तो गाइज मुझे बहुत अच्छा अपडेट लगा है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर हमें जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी भी देखने को मिल गई है। अब गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें 60 FPS नहीं मिले। गैस मैंने पूछा था और यहाँ पर रीज़न ये निकल कर आया है कि पहले जो 60 FPS चलता था उसमें बहुत ही ज़्यादा लेग होता था बंदों के, तो यहाँ पर उसे लॉक कर दिया गया है और 45 FPS तक यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अब लेग कम हो रहा है। और जो भी वो लेग वाली समस्या थी जो कि 60 FPS पर करते थे तो लेग होता था, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो उसके लिए चिंता मत करो, आपको 60 FPS आने वाले अपडेट्स में मिल जाएंगे। और अभी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं तो सुबह से खेल रहा हूँ। गाइस इस वाले अपडेट को अपडेट करने के बाद मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। मतलब मैंने अगर 11 बजे अपडेट किया है ना इस गेम को, मैंने 6 घंटे खेले, वापस से मेरी बैटरी ड्रेन हुई, मैं वापस से रिचार्ज किया और रिचार्ज करते करते ही मैंने गेम खेले। मतलब मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ यार, सीरियसली। न्यू साउंड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ओपी है, मतलब साउंड इफ़ेक्ट्स भी डाले गए हैं गाइज इसके अंदर। और मेरे को सही में वो चीज़ें भी इस गेम को खेलने के लिए मुझे मतलब प्रेरित कर रही है कि यार तुम मुझे खेल सकते हो, मैं इतना भी बोर नहीं हूँ। और यहाँ पर बज किल व्हीकल भी बहुत ही ज़्यादा ओसम लगी है मुझे, सीरियसली गाइज। और गन पे अटैचमेंट लगा सकते हो और स्कोप भी लगा सकते हो, वो वाली चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी के साथ ही साथ गाइस न्यू टाइगर भी आया है, उसको भी मैंने खेला था एक मैच के अंदर, लेकिन अभी इस गेम प्ले में मैंने दूसरा करेक्टर यूज़ किया है। और सही में ओवरऑल गाइस इस अपडेट के बारे में बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा ओसम अपडेट है, मुझे तो सीरियसली बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा मुझे। गाइज मैं बड़ा नाराज हूँ उन लोगों से जो कि पहले तो वीडियो बनाते हैं कि इस गेम में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, फिर दूसरे ही दिन फिर वही गेम की वो वीडियो डालने लगते हैं, तो उन लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं गेम प्ले की। तो यहाँ पर एक बंदा आ गया टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हुए, तो एक भाई को, इस भाई को मैंने नॉक कर दिया, नॉक करते मैंने इसे फिनिश भी कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर सनफ्लावर मॉल में कोई भी बंदा नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि घर लेते हैं और सामने की ओर जाकर एक बार राउंड लगाते हैं कि कोई बंदा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं आया मेरे को कोई भी बंदा नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि जो अपनी गन है उसे अपग्रेड वगैरह कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, अपने लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने अपनी गन को अपग्रेड किया और सनफ्लावर मॉल के इस चौराहे पर आया, तभी मुझे एक बंदा दिखाई दिया जो कि शीरियू के अंदर था। इसे ट्रोल करते हुए मारा मैंने, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे मारने में, तो आप इंजॉय करो इसे कैसे मारते हैं देखो। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार बहुत हो गया, इसे मुक्ति दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस भाई को ईजिली मार दिया। सेकंड सीट में मैंने इसको चेंज किया था उस गाड़ी में, तो बज किल में, और ईजिली मैंने इस भाई को यहाँ पर मार दिया। तो अब देखो यहाँ पर एक बंदा ड्रॉप लूट रहा है, जो कि देखो ड्रॉप लूटता है तो रेड लाइन आ जाती है, एक ड्रॉप लूटता है जिस पर देख सकते हो आप एक लाइन आ रही है जो कि ड्रॉप लूटने का एक साइन है। तो कोई ना कोई वहाँ पे ड्रॉप लूट रहा था, तो मैंने डिसाइड किया भाई अपने पास गाड़ी है तो पुश करते हैं। यहाँ पर देखो मैं गाड़ी लेकर सीधा मैंने यहाँ पर पुश कर दिया। तो यहाँ पर दो टीम थी एक्चुअली, तो एक बंदा यहाँ पर ऑलरेडी नॉक पड़ा हुआ था और एक बंदा यहाँ पर ड्रॉप लूट रहा था और एक कोई और ही बंदा था यहाँ पर। तो अब देखो इन्हें कैसे मारते हैं, मतलब एक बंदा किसी और ही टीम का था, शायद वो बच गया होगा इस फाइट में।
तो एक बंदा यहाँ पर नॉक पड़ा हुआ था, तो उसकी तरफ मैंने यहाँ पर चिप को बम फेंक दिए, तो वो बाइट हो गया ख़त्म। इसके बाद देखो एक बंदा कहाँ पर छुपा हुआ था, ये देखो इसने क्या ही दिमाग लगाया, मतलब नीचे आ गया और छुपने के लिए। तो अब देखो हमारी फाइट होने वाली है, तो कौन जीतेगा तुम बताओ कमेंट में। देखो भाई ये बंदा मेरी गाड़ी में बैठ गया और शायद इसे लग रहा था कि अब मेरे को पता नहीं है कि अब मैं इसे ले जाऊंगा, है ना, लेकिन मुझे पता चल गया था। अब इसे देखो कैसे मारा मैंने और फाइनली मैंने इस भाई को यहाँ पर इजीली नॉक कर दिया। और शायद इसे लग रहा था कि बच जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाई ने इसका पीछा करते हुए इजीली ठोक दिया। यहाँ पर इसे थोड़ा मैंने लूटा, इसके बाद मैंने अपनी कूलर गन से और यहाँ पर गाड़ी मंगाई। गाड़ी मंगाते भाई सीधा उठा के मैंने एक बार टिन बिन प्लेक्स में चेक किया कि कोई साउंड वगैरह आ रहा है, तो इस टिन बिन प्लेक्स में मुझे कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा था। मैंने डिसाइड किया थोड़ा आगे जाते हैं हॉट रोड की साइड। तो हॉट रोड की साइड जाने के बाद मुझे यहाँ पर दो बंदे आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। अब जैसे ही उसने चिपको बम लगाया मेरी दिमाग में हालत खराब, क्योंकि भैया हम मर जाते उससे तो मैंने उसको चिपको बम वाली गाड़ी को छोड़ा, क्योंकि उस पर चेट गए थे वो चिपको बम। तो यहाँ पर मैं आ गया सेफ साइड। ओके तो अब देखो इसे कैसे मारते हैं। तो यहाँ पर इस भाई को ठोक दिया इजीली। अब देखो इसके टीममेट थोड़ी देर में आएंगे, अब जब तक आएंगे तो मैंने यहाँ पर इसे फिनिश कर दिया। अब देखो यहाँ पर उसके टीममेट भागे दौड़े हुए आएंगे। अब मुझे नहीं पता यार वो अलग अलग टीम के अलग अलग बंदे थे या क्या सीन था, लेकिन दोनों शायद लड़ रहे थे। तो इसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैंने थर्ड पार्टी यहाँ पर करना चाहा। तो अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्नाइपर शॉट वगैरह ही पड़ जाए तो एक बार मज़ा आ जाए। तो इतनी कोशिश करने के बाद तो नहीं पड़ा, लेकिन बूम यहाँ पर इस भाई को स्नाइपर शॉट पड़ गया, मज़ा आ गया। इसके बाद देखो क्रेबी में एक और बंदा था, उसे भी स्नाइपर शॉट पड़ गया। यहाँ पर एक और बंदा था जो कि सीरियू में था, वो पता नहीं क्या ही कर रहा था, शायद उसका नेटवर्क ऑफ हो गया था, कुछ तो सीन था, तो वो बंदा अचानक से ही मर गया यहाँ पर। तो इसके बाद देखो फाइटिंग तो हो गई थी हमारी और जोन भी बहुत क्लोज आने वाला था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपनी जो शील्ड थी उसे रिचार्ज किया। तो गाइस आज का हमारा लाइक है आप भूलना मत, 100 का लाइक है मैं जरूर से करना, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हो जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रॉप लूटा छोटा सा और इसके बाद मैंने डिसाइड किया थोड़ा आगे पुश करते हैं, कि मैंने यहाँ पर गन कूलर से गाड़ी मंगाई और यहाँ पर देखो बस की लाई। अब हमारी फाइट होने वाली है तो इन्जॉय करो, बस देखते जाओ कौन जीतता है। देखो एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया, शायद से ये पूरी टीम थी है ना, तो यहाँ पर एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया। मेरा प्लान ये था कि मैं ऊपर आऊँगा और ऊपर जाकर हाइट का एडवांटेज लूँगा, तो मैं खिड़की में से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने लगा कि यहाँ से उचकूँगा और ऊपर चल जाऊँगा छत पर, लेकिन किस्मत खराब थी मेरी, मैं ऊपर नहीं जा पाया। तो मैंने देखा कि यार वो नॉक पड़ा हुआ बंदा वहाँ पे है, तो मैंने उसे फिनिश किया और सुनील को भी मैंने यहाँ पर डैमेज दिया। तभी मैंने सामने की तरफ देखा दूर एक योंग भाग रहा था, तो उस भाई को भी मैंने हल्का फुल्का डैमेज दिया यहाँ पर जितना हो सकता था। और इसके बाद मैंने वापस सोचा कि यार वही अपना जो प्लानिंग है वही लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं वापस आया वेयर हाउस के अंदर और वही प्लान था मेरा कि खिड़की के पास आऊँगा ऊपर जाऊँगा फिर फाइट लेंगे, मज़ा आएगा।
अब देखो हमारी फाइट होने वाली है, तो यहाँ पर इसे एक लगा और वो भाग गया, और इसका जो टीममेट था सड़क पे ही था खुला, तो मैंने उसे इजीली नॉक कर दिया। नॉक कर दे, देखो वो आया इसे रिवाइव देने के लिए, तो उसे वापस से मैंने फटका मारा। तो बूम गाइस, यहाँ पर तुम्हारा भाई विक्ट्री हासिल कर लेता है। तो आज का हमारा लाइक कैम जरूर से पूरा कराना, 100 का लाइक कैम है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना नए हो तो। I just do that's fact and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to